हेलो स्टूडेंट्स, ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस। 10th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, उसके आज रिवीजन करने वाले हैं। यू नो अबाउट मी, माय नेम इज मलिका सेठी, यू आर साइंस एजुकेटर एंड यू आर वाचिंग मी ऑन यूट्यूब चैनल क्लास अपार्ट। ये चैनल जो है वो अनअकैडमिक है, यू नो दैट। तो देखो, अभी तो आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, बट मैं ये चैप्टर के रिवीजन कराने से पहले आपको कुछ अनअकैडमी के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि अनअकैडमी इज द लार्जेस्ट लर्निंग ऐप इन दिस टाइम। इंडिया में लार्जेस्ट लर्निंग ऐप है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का इसने फ्यूचर बनाया है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स क्रैक किए हैं स्टूडेंट्स ने। सो आप भी उनमें से एक होने वाले हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए आपको ये करना है कि आपको अपने प्ले स्टोर में जाके अनअकैडमी लर्नर ऐप फर्स्टली तो डाउनलोड करनी है। अगर आपके फोन में ऑलरेडी डाउनलोड है तो आपको क्या करना है, उसका प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है। टू टाइप के कोर्सेज है अनअकैडमी लर्निंग ऐप में, प्लस तो है स्पेशल कोर्सेज, स्पेशल क्लासेस, सेकंड है प्लस कोर्सेज। स्पेशल में क्या है, स्पेशल में भी आपको पूरा का पूरा सिलेबस मिलेगा, बट उसमें आपको बहुत सारे टीचर्स मिलेंगे, आप अपनी चॉइस से किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं। सब अच्छे अच्छे एजुकेटर्स हैं, टॉप एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी पे। और प्लस एजुकेटर इज लाइक योर पर्सनल ट्यूटर। पर्सनल ट्यूटर, आप अपने पर्सनल ट्यूटर से कुछ भी डाउट क्लियर कर सकते हैं और आपको नोट्स मिलेंगे, प्लस में आपकी टेस्ट सीरीज मिलेंगी, आपके टेस्ट होंगे रेगुलर, मतलब एक क्या आप रेगुलर क्लास लगा सकते हैं अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। स्पेशल क्लासेस में आप अपनी मर्जी से टीच करेंगे कि आपकी मर्जी की, लाइक आप यूट्यूब पे पढ़ना चाह रहे हैं तो आपकी इच्छा होगी आपने पढ़ लिया। प्लस सब्सक्रिप्शन में ऐसा नहीं होगा, डेली की डेली आपकी क्या होगी, कंटिन्यू क्लास लगेगी। प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको करना क्या होगा, जैसे आप किसी पर्सनल ट्यूटर को ऑफलाइन कोचिंग में पे करते हैं, फीस पे करते हैं लाइक दिस, बट अनअकैडमी आपको एक बहुत अच्छा ऑफर दे रहा है। आपको क्या करना है, आप 3 मंथ 6 मंथ 12 मंथ ये सारा पैकेज है, 3 से लेके 48 मंथ तक का। जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे, कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है, बहुत कम अमाउंट में बहुत अच्छे एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपको करना क्या है, जैसे 3 मंथ के 7500 रुपीज है आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। अगर आप प्रोसीड टू पे करने के टाइम MAS इज माई रेफिल कोड अगर आप ये यूज करते हैं तो आपको फ्लैट 10% ऑफ मिलेगा। अगर आप 7500 रुपीज पे कर रहे थे तो उसकी जगह आपको 6750 रुपीज पे करने हैं ओनली, तो आपका फायदा ही फायदा है। और बहुत सारे फायदे हैं, टेस्ट सीरीज, नोट्स, आपको सब कुछ बना बनाया मिलेगा, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है और अपने एम तक जाना है, आपने कॉम्पिटिशन क्रैक करने हैं और कुछ नहीं करना, आपका काम है सिर्फ पढ़ाई करना। हमारा काम है, हम आपको नोट्स बना के देंगे, इजी से इजी लैंग्वेज में बना के देंगे। एंड सेकेंड आपको क्या फायदा है, डाउट्स। अगर आपको कोई डाउट है, लाइक आपको कोई क्वेश्चन है उसका आंसर नहीं आता, वो मैथमेटिक्स का भी हो सकता है, साइंस का भी हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट का हो सकता है, तो बहुत इजी वे में आप उसका आंसर ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, आपको स्क्रीन पे शो होगा लाइक दिस, आपको क्या करना है, क्वेश्चन की पिक क्लिक करनी है, देन अपने आज के डाउट में जाके अपना डाउट की पिक्चर अपलोड कर देनी है विद योर सब्जेक्ट की, ये मैथमेटिक्स का है, केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का है, एनी कोई भी सब्जेक्ट है आपने वो कर देना है, तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा, उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी वीडियो की फॉर्म में, एंड इजी से इजी फॉर्म में उसका आंसर आपको बताया जाएगा। ये आपके लिए फायदा, तो आपके लिए सारे फायदे ही फायदे हैं। और यूट्यूब पे तो दे ही रहा है अनअकैडमी आपको बिल्कुल फ्री में, तो यूट्यूब पे आप मुझे देख रहे हैं क्लास अपार्ट चैनल पे। अगर आप न्यू स्टूडेंट्स हैं तो सब्सक्राइब कर देना, ओल्ड हैं तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब आपने ऑलरेडी, मैं ये सोचूं कि आपने ऑलरेडी किया हुआ है सब्सक्राइब, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस चैप्टर मैं आपको करवा चुकी हूँ पूरा, आज हमारा है रिविजन सेशन। देखो, पूरा का पूरा चैप्टर करने के बाद अगर हम रिवीजन नहीं करते ना, तो पूरा चैप्टर करना बेकार है। आज हम शॉर्ट फॉर्म में करेंगे, पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे विद क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो कि एनसीईआरटी के हैं। मैंने सारे क्वेश्चन आंसर्स नहीं लिए, कुछ क्वेश्चन आंसर्स मैं पहले करवा चुकी हूँ, ये वाले क्वेश्चन आंसर्स जो है कुछ मुझे लगा कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सिर्फ यही क्वेश्चन लिए। तो लाइव प्रोसेस हम चैप्टर कर रहे हैं, लाइव प्रोसेसेस में मैंने आपको पहले ही बताया था कि व्हाट इज लाइव प्रोसेसेस, द प्रोसेसेस व्हिच इज नेसेसरी फॉर आवर अलाइव, हमें अलाइव रहने के लिए, हमें जिंदा रहने के लिए जो जो हमारी लाइफ के प्रोसेसेस हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना हम जी नहीं सकते हैं, उन प्रोसेसेस को क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। हमने लाइफ प्रोसेसेस की किस किस के बीच में है, प्लांट्स,
हमने प्लांट्स के बारे में स्टडी किया है और हमने किसका किया है, एनिमल्स का किया है। अब हम बता रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जो कि लाइफ में इम्पोर्टेंट हैं, जिसके बिना हम नहीं रह सकते। तो फर्स्ट इज न्यूट्रिशन। मैं पूरा चैप्टर बता रही हूँ आज आपको, ये आज की वीडियो के अंदर आप पूरा लाइफ प्रोसेस करने वाले हैं अच्छे से, तो ध्यान से देखना। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में हमने क्या बोला था कि हम क्या कर रहे हैं, फूड इनटेक कर रहे हैं, हम कुछ ना कुछ खा रहे हैं, न्यूट्रिशन हो रहा है। देन रेस्पिरेशन, प्रोसेसेस हैं ये, हमने खाया, हमने कुछ ईट किया। फिर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, एनर्जी मिल रही है, ठीक है, एनर्जी मिल रही है, एनर्जी यूटिलाइज हो रही है एनिमल में भी और प्लांट्स में भी। देन ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन जो एनर्जी है उसको होल बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करना, कौन कर रहा है वो हमने पढ़ा। नेक्स्ट एक्सक्रिएशन, जो भी ये सारे प्रोसेसेस होगी, खा लिया हमने, डाइजेस्ट कर लिया, हमारी बॉडी को एनर्जी मिल गई, हमारे बॉडी के अंदर वो ट्रांसपोर्ट हो गया। अब कुछ ऐसा तो है नहीं कि हमने जो भी खाया 100% हमारी बॉडी कंज्यूम करगी, नो, 100% में से 60% हमारी बॉडी ने कंज्यूम किया है, 40% जो है वो वेस्टेज होगा जो कि बॉडी से रिमूव आउट करना जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, जरूरी है, नेसेसरी है, असेंशियल है, कुछ मानो बहुत जरूरी है, तो वो क्या हो गया, एक्सक्रिएट हो गया, रिमूव फ्रॉम द बॉडी, ये रिमूव हो गया, ठीक है। तो ये हमारा है पूरा का पूरा चैप्टर, बेसिकली यही है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रिएशन। न्यूट्रिशन हमने क्या किया था, न्यूट्रिशन में क्या होता है, देखो हम न्यूट्रिशन को सबसे पहले करते हैं। न्यूट्रिशन हमने किया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर क्या होता है, प्लांट्स में प्रोसेस हमने की थी फोटोसिंथेसिस। ये चैप्टर मैं आपको दोबारा इसलिए रिवाइज करा रही हूँ क्योंकि पूरा चैप्टर जो अगर एक बार आप एक साथ रिवाइज करेंगे तो आपके माइंड में पूरा चैप्टर बैठ जाएगा, क्योंकि हमने वन बाय वन पार्ट किया था, पहले न्यूट्रिशन किया, रेस्पिरेशन, तो वन बाय वन किया, तो पूरे चैप्टर में से आपको शायद लास्ट वाला याद होगा, पहले वाला भूल ही गया होगा कि हमने क्या किया। तो आज मेरा एम यही है कि मैं आपको पूरा चैप्टर इन शॉर्ट कराऊं और आपको पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो अच्छे से यहाँ पे बैठ जाए। तो हमने क्या किया था, प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन होता है वो तो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस मींस प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ या बाय द हेल्प ऑफ CO2 प्लस वाटर प्लस सनलाइट प्लस क्लोरोफिल, इन सब की प्रेजेंस से क्या बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं जो कि, और प्लस में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। ये सारी की सारी प्रोसेस है, ये आपको ये वाले डायग्राम में अलग शो किया हुआ है, ऑक्सीजन ले रहे हैं, हीट एनर्जी दे रहे हैं, डायग्राम इज डिफरेंट, मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ कि ये क्या करती हैं, CO2 एनवायरमेंट से लेती हैं, वाटर कहाँ से लिया, इन्होंने रूट से लिया, और सनलाइट से सन ली, क्लोरोफिल इनके पास ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, ग्रीन पिगमेंट्स होती हैं वो क्लोरोफिल होती हैं, तो ये सब मिलके CO2 प्लस में H2O प्लस में सनलाइट, किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फूड बनाते हैं C6H12O6 जो कि ग्लूकोज होता है, प्लस में O2 बनती है, O2 स्टोमेटा के थ्रू, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ये जो प्रोसेस होती है वो किसके थ्रू होती है, स्टोमेटा के थ्रू होती है। स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है और जो O2 है हम लोग क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। तो ये था न्यूट्रिशन इन प्लांट, सॉरी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हमने क्या क्या किया था, प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, जो कि ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो अपना फूड खुद बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, वी आर कंज्यूमर्स, हम कंज्यूमर्स हैं, हम फूड ले रहे हैं, हम लोग अपना फूड खुद नहीं बना रहे, हम लोग हेटरोट्रॉपिक हैं। अब हेटरोट्रॉपिक मैं करवा चुकी हूँ, व्हाट इज हेटरोट्रॉपिक, हेटरो मींस अदर्स, जो कि अपने फूड के लिए अदर्स पे डिपेंड रहते हैं, दीज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज हेटरोट्रॉपिक। ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक बिकॉज वो अपना फूड खुद बनाते हैं, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड है, वो नेचर पे डिपेंड है, वो हम लोगों पे डिपेंड नहीं है, बट हम किस पे डिपेंड है, नेचर पे डिपेंड है, प्लांट्स पे डिपेंड है। तो क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन से होती हैं, हर्बीवोरस जो ओनली ग्रास ईट करती हैं, सेकेंडरी जो कि हमारे पास क्या है, ओमनीवोरस, ओमनीवोरस क्या होते हैं, जो दोनों ही ईट करते हैं, जो प्लांट्स भी ईट करते हैं, एनिमल्स भी ईट करते हैं। टर्शियरी कंज्यूमर्स होते हैं कार्निवोरस, कार्निवोरस ओनली
नॉन वेज ही होती हैं जो कि अदर एनिमल्स को ईट करती हैं, ठीक है। और आपको एक चीज और भी बताई थी, डीकम्पोजर्स होती हैं, पैरासाइट्स होती हैं, सेप्रोफाइट्स होती हैं। डीकम्पोजर्स कौन से होती हैं, जो कि क्या करती हैं, डीकम्पोज करती हैं, ब्रेक डाउन करती हैं, डेड मटेरियल्स बनाती हैं। और पैरासाइट्स जो अपना फूड किसी और की बॉडी से लेती हैं। सेप्रोफाइट्स वही हो गए, सेप्रोट्रोपिक वही हो गया, जो कि डेड मटेरियल से अपना फूड लेते हैं। तो ये सारा का सारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन था जो कि हम पहले कर चुके हैं अच्छे से। तो आपको सिर्फ डेफिनेशंस पता होने चाहिए, व्हाट इज हर्बीवोरस, व्हाट इज कार्निवोरस, व्हाट इज ओमनीवोरस, व्हाट इज सेप्रोट्रोपिक, सेप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स, पैरासिटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये सारा चीज क्या क्या बताया मैंने आपको, होलोजोइक, होलोजोइक क्या होता है, जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं। पैरासिटिक, पैरासिटिक जो कि अदर एनिमल्स से लेते हैं। सेप्रोट्रोपिक, सेप्रोट्रोपिक जो कि डेड मटेरियल से लेती हैं। डीकम्पोजर्स जो कि डीकम्पोज करते हैं उनको बोलते हैं, लाइक जैसे कोई भी चीज हमने मिट्टी में दबा दी तो वो क्या हो जाएगी, उसकी खाद बन जाएगी, वापस से मिट्टी बन जाएगी, तो वो डीकम्पोजर्स का काम होता है, ठीक है। तो ये सारा था हमारा न्यूट्रिशन जो हमने किया था। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के अंदर कौन कौन सा पार्ट था, ये वाला देखो, ये हमने किया था ह्यूमन, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम है कि बॉडी न्यूट्रिशन ले रही है। तो व्हाट इज न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मींस जो हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर उसका यूटिलाइज होना, दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से थे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, ये सब हम ले रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर। ये सब हमारी बॉडी के अंदर जा कैसे रहे हैं, कैसे वो कंज्यूम हो रहे हैं, तो इसके प्रोसेस हमने बहुत अच्छे से किया है कि टंग, सबसे पहले तो हमारे माउथ के अंदर टीथ होती हैं। टीथ क्या करती हैं, टीथ चीविंग का काम करती हैं, फूड को कट करने का काम करती हैं। उसके बाद होती है टंग, टंग क्या काम करती है, मिक्सिंग का काम करती है, लाइक ए स्पून। देन हमारे माउथ के अंदर क्या होता है, स्लाइवा होता है। स्लाइवा के अंदर क्या होता है, स्लाइवरी अमाइलेज होता है, स्लाइवरी अमाइलेज। स्लाइवरी अमाइलेज का काम क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है, हमारी माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद ऑस्टियोफेगस से क्या जाता है, फूड कहाँ पे जाता है, स्टमक के अंदर जाता है। अब यहाँ पे फूड पाइप भी बोलते हैं इसको। इसमें एक चीज मैंने बताई थी कि फूड पाइप के अंदर एक मूवमेंट होती है, कॉन्ट्रेक्शन होती है, एक्सपेंशन होती है। दिस मूवमेंट इज नोन एज पेरिस्टेटिकल मूवमेंट। ये मैं आपको रिटर्न में नहीं बता रही, आपको अपनी यहाँ पे याद रखने, ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ। जैसे मैं आपको ओरली बता रही हूँ, आपको ऐसे टिप्स पे होना चाहिए कि फूड यहाँ से फूड पाइप पे गया, फूड पाइप के अंदर एक मूवमेंट होती है, कॉन्ट्रेक्शन होती है, एक्सपेंशन होती है। जो बंद हो रही है फूड पाइप, ओपन हो रही है, कॉन्ट्रेक्शन एंड एक्सपेंशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज पेरिस्टेटिकल मूवमेंट। फूड पेरिस्टेटिकल मूवमेंट से कहाँ पे पहुंच जाता है, स्टमक के अंदर पहुंच जाता है। स्टमक की वॉल एक जूस सीक्रेट करती है, दिस जूस इज नोन एज गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस किस किस से मिलके बना होता है, HCl से मिलके बना होता है, म्यूकस के अंदर म्यूकस से मिलके बना होता है, एंड पेप्सिन से मिलके बना होता है। HCl फूड को एसिडिक बना देता है। जैसे फूड एसिडिक हुआ, पेप्सिन किसको डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा, प्रोटीन ब्रेक डाउन हो जाएगा। और म्यूकस का काम होता है कि HCl की अमाउंट को कंट्रोल करना, कि कितनी HCl कंट्रोल होनी, कितना HCl हमारे स्टमक को चाहिए, कितना नहीं चाहिए। अगर ये प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर पाता, HCl हमारे स्टमक के अंदर ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो एसिडिटी हो जाती है, ठीक है। अब देखो फूड जो है स्टमक से कहां पे गया, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है बिकॉज ये वेरी वेरी नैरो है, बहुत नैरो है, इसलिए इसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। अदरवाइज जो इसकी लेंथ होती है वो बहुत लंबी होती है, 6 meters लॉन्ग हमारी बॉडी के अंदर होती है अप्रोक्सीमेटली। अब फूड कहां पे गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। बट स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो किस किस के साथ कनेक्टेड है, देखो आप देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो एक तो लीवर के साथ कनेक्टेड है, एक पैनक्रियाज के साथ कनेक्टेड है। जो लीवर है और पैनक्रियाज है, ये भी क्या करते हैं, जूसेस सीक्रेट करते हैं। पैनक्रियाज तो पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है, और जो लीवर है वो क्या करता है, बाइल जूस सीक्रेट करता है, जो कि येलोइश कलर का होता है, ठीक है। ये जो बाइल जूस है, इसका काम क्या होता है, जो ये फूड था एसिडिक था, क्योंकि HCl एसिड से कहां पे आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये फूड जो है एसिड की फॉर्म में है,
बाइल जूस सबसे पहले तो इस एसिडिक फूड को क्या करता है, न्यूट्रल करता है, एल्केलाइन बना देगा, मींस एसिडिक को खत्म कर देगा, एल्केलाइन बनाएगा। फिर पैनक्रियाटिक जूस क्या करेगा, इसके अंदर से कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स ये सब क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। फाइनली जो भी बाकी बचे हुए जो भी कार्बोहाइड्रेट्स का पार्शियली ब्रेकडाउन हुआ, प्रोटीन का पार्शियली ब्रेकडाउन हुआ। एक चीज और मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पे मैंने आपको एक चीज और बताई थी जो कि आपको याद रखनी है, वो क्या है देखो, मैं एक बार रब कर देती हूँ, मैं आपको बताऊंगी कि हमें क्या लर्न रखना है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन होके क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन होके शुगर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, या हम इसको ग्लूकोज भी बोल सकते हैं, ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। प्रोटीन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमाइनो एसिड्स में, क्योंकि अमाइनो एसिड से मिलके प्रोटीन बना है। प्रोटीन जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, हमें उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमाइनो एसिड्स में। फैट्स जो है वो किससे मिलके बने हैं, फैटी एसिड से। फैट जो है वो किससे मिलके बना है, फैटी एसिड्स, तो ये किस में हो जाएगा, फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो मतलब ब्रेक डाउन हो जाएगा। लिपिड्स जो होते हैं, फैट्स हो गए, लिपिड्स हो गए, एक ही बात है। तो ये तीनों आप याद रख लो, इससे ज्यादा मत करो, क्योंकि आपका क्या मेन यही है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, ये सब, और जो विटामिन है, मिनरल्स है, ये सब इस टाइप से डाइजेस्ट होते हैं कि वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, पाउडर फॉर्म में बन जाते हैं। तो ये हमारे बॉडी के अंदर सिंपलर फॉर्म में, सिंपलर फॉर्म में, सिंपलर फॉर्म में सारे के सारे कहां पे होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। फिर उसके बाद जो डाइजेस्ट हो गए वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, दीज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज विली, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह जो ब्लड कैपिलरीज हैं। तो जो ब्लड कैपिलरीज हैं और जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है, विली लाइक स्ट्रक्चर है, वो क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। ब्लड क्या करता है, यहाँ से एब्जॉर्ब कर लेता है सारा का सारा फूड जो है ब्लड के अंदर चला गया, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ चला गया, सारा का सारा यहाँ से हमारी बॉडी से रिमूव आउट हो जाएगा। वो कैसे होगा, वो हम करेंगे, ठीक है। ये सारा था हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स की, जो डाइजेशन है वो कैसे हो रहा है। देखो सेकेंड हमने किया, ये सारे के सारे आपके बॉडी पार्ट्स है, ये आपको सारे के सारे लर्न करने पड़ेंगे। सेकेंड हमने किया रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या किया, अभी हमने न्यूट्रिशन में किया कि हमने खाना खा लिया, हमारा खाना डाइजेस्ट हो गया, कार्बोहाइड्रेट से क्या बन गया है, ग्लूकोज बन गया है। अब वो ग्लूकोज एनर्जी कैसे देगा, ब्लड में तो चला गया, अभी हमने बोला कि स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल जो है वो विली लाइक स्ट्रक्चर है, जिससे कि वो कहां चला गया, ब्लड के अंदर चला गया। अब वो ब्लड के अंदर जब गया है तो वो काम क्या करेगा, ग्लूकोज जो है वो कैसे हमारी बॉडी को एनर्जी देगा, हमने क्या करना है, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम, दीज आर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या है, अब हमने क्या किया, नेजल कैविटी, नोस्ट्रिल्स आर दो टू होल्ड आर प्रेजेंट इन देयर नोज, इन अवर नोज, दीज आर नोन एज नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल से हमने इनहेल किया, ब्रीथ इन किया, ऑक्सीजन मेरी बॉडी में गई, कैसे गई ऑक्सीजन मेरी बॉडी में, यहां से गई ट्रैकिया से, दीज आर विंड पाइप। और इसमें क्या है, विंड पाइप अगर कोलैप्स ना हो इसके लिए यहाँ पे बोनी लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, दीज बोनी लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज ट्रैकियास। अब ये फूड पाइप के अंदर क्या मूवमेंट हो रही थी, पेरिस्टेटिकल मूवमेंट हो रही थी, बट इसके अंदर क्या है, विंड पाइप के अंदर छोटे छोटी बोन्स हैं जो कि क्या कर रही है, उसको कोलैप्स होने से रोक रही है, दीज आर नोन एज ट्रैकिया। अब ये लंग्स है, ये ट्रैकिया यहाँ पे क्या हो रही है, टू पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो रही है, दीज इज नोन एज ब्रॉन्चीज, एंड दीज आर फर्दर आर ब्रांचेस, दीज ब्रांचेस आर नोन एज ब्रोंचियोल्स, और इसके ऊपर छोटे छोटे बैलून्स लाइक स्ट्रक्चर हैं जिसको हम एलोवेली बोलते हैं या एयर सैक बोलते हैं। मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगी, आपको क्लियरली करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से मेरा पूरा का पूरा रेस्पिरेशन देख सकते हैं। देखो क्या है, एलोवेली है, एलोवेली एयर सैक है, हमने ब्रीथ इन किया, ब्रीथ इन किया, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में गई, हमारे लंग्स में गई, लंग्स में हमारे जो ऑक्सीजन गई है वो कहां गई है, एलोवेली के अंदर गई है, एयर सैक के अंदर गई है। अब ये ऑक्सीजन है, ये सारे की सारे ब्लड, ये पूरा का पूरा ब्लड है इसके चारों तरफ, इस ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज भी प्रेजेंट है जो अभी बॉडी के अंदर क्या हुआ था, डाइजेस्ट हुआ था। अब ब्लड के अंदर क्या होता है, हेमोग्लोबिन होता है, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो रेड कलर का होता है।
हेमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने टुवार्ड अट्रैक्ट करता है। तो जो भी एलवेल के अंदर, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन थी वो कहां चली गई, ब्लड के अंदर चली गई। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन गई, ब्लड के अंदर ग्लूकोज भी आया था अभी, क्योंकि जो डाइजेस्ट हुआ, तो ग्लूकोज ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर ली C6H12O6+ में O2, इसने रिएक्शन की, प्रोडक्ट बना दिया CO2+ में H2O+ में ATP की फॉर्म में एनर्जी बन गई। तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज कहां से है, जो हमने खाना खाया, वो डाइजेस्ट होके हमारे ब्लड में चला गया। फिर वो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज था उसका ब्रेक डाउन कैसे हुआ, उसका ब्रेक डाउन हुआ जो कि हमने ब्रीथ इन करके ऑक्सीजन ली थी। ऑक्सीजन ली, CO2 बन गया, H2O बन गया, ATP बन गई। ATP एनर्जी हमारी बॉडी क्या कर लेगी, यूज कर लेगी। दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन बिकॉज दिस रेस्पिरेशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो ये क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन है। CO2 हमारी बॉडी से रिमूव हो जाएगी, वॉटर हमारी बॉडी में यूज होगा, कुछ सम अमाउंट में यूज हो जाएगा, सम अमाउंट में एक्सक्रिएट हो जाएगा। ठीक है, स्वेटिंग की फॉर्म में भी रिमूव हो जाता है वॉटर। क्या है ये सारा का सारा, हमारी बॉडी के अंदर क्या हो गई, रेस्पिरेशन हो गई। अब ये ATP हमारी बॉडी के अंदर बन गई, हमारे ब्लड के सेल्स के अंदर एनर्जी बन गई। नेक्स्ट हमारा क्या है, अब ये जो ब्लड है वो पूरी की पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्ट कैसे कर रहा है। अब यहां हमने बोला कि ये ब्लड कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज, अब ब्लड के अंदर O2 तो बन गई, अब ये O2 हमारी बॉडी के अंदर जा कैसे रही है, ये तो है नहीं कि भी कोई अंदर बैठा है कि अब यहाँ पे चला जाओ O2, अब यहाँ चला जाओ O2, तो वो कौन बैठे, कौन मैनेज कर रहा है, हार्ट कर रहा है, हार्ट ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कैसे कर रहा है। अभी हमने बोला O2 गया ब्लड के अंदर, अब CO2 भी तो बना है, तो हमें मैनेज भी तो करना है, CO2 को हमारी बॉडी से बाहर निकालना है, ब्रीथ आउट करना है, O2 को हमारी पूरी बॉडी तक, या फिर हमारी जो एनर्जी है उसको पूरी बॉडी तक पहुंचाना है। O2 को भी पूरे हमारी बॉडी के ईच एंड एवरी सेल तक चाहिए, हर सेल को एनर्जी चाहिए, हर सेल जो है वो ब्लड से एनर्जी लेगा, तो वो ब्लड हमारी पूरी बॉडी के अंदर पहुंचेगा। तो अब ये वाली चीज, ये पेन मैं यहीं पे रखूंगी, तो ये वाली चीज तो सिर्फ यहीं रहेगी ना, ये चीज ऐसे अगर मूव कर रही है, इसके अंदर से कुछ फ्लो करेगा, तभी वो चीज यहां से यहां पहुंचेगी ना, लाइक दिस पाइप की तरह, कि अगर पाइप है तो पाइप के ऊपर से हम कुछ डाल रहे हैं तो वो नीचे से निकलेगा, है ना। तो अगर पूरी की पूरी पाइप है तो वो पाइप में से मूव करेगा। तो वैसे ही हमारा जो ब्लड है ट्रांसपोर्ट होता है, उस ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कौन करता है, हार्ट करता है, हार्ट ब्लड को क्लीनिंग करता है और पूरी बॉडी तक ट्रांसपोर्ट करता है। कैसे करता है, ब्लड जो, ब्लड के जो होते हैं वो 4 पार्ट होता है, दिस वन इज राइट आर्टियम, दिस वन इज लेफ्ट आर्टियम, राइट वेंटिकल, लेफ्ट वेंटिकल। क्या करते हैं, मैंने आपको एक और फॉर्म में भी बताया था कि यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि ये हमारे पास है PV और ये क्या है PA, ये है हमारे पास MV, यहाँ पे है MA, ठीक है, ये इस फॉर्म में है। यहां से लंग, यहाँ पे लंग्स हैं, यहाँ पे हार्ट है, यहाँ पे बॉडी है, ठीक है। लंग से सबसे पहले पर्मोनरी आर्टरी से ब्लड आता है, कहाँ जाता है, हार्ट के अंदर जाता है। ये वाला जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मींस लंग्स में, लंग्स से जब हमने ब्रीथिंग की, ऑक्सीजन ब्लड के अंदर गया गई, तो जो ब्लड है वो कहाँ पे आएगा, हार्ट के अंदर आएगा। फिर हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला जाएगा, हमारे बॉडी में चला जाएगा। बॉडी में ऐसा क्या होगा, बॉडी के अंदर हमारे जो पूरी हार्ट से पूरी बॉडी में गया, तो बॉडी के अंदर क्या है, सेल्स हैं, वो जो क्या करेंगे, एनर्जी का एक्सचेंज कर लेंगे। जो हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन हो रही है, ऑक्सीजन तो हमारी बॉडी ले लेगी, CO2 ब्लड को वापस दे देगी, बोली ये मेरा काम है। जैसे हमने कोई भी बॉक्स या कोई पार्सल लाया, हमने क्या किया, सपोज उसके बीच वाला सामान ले लिया, खाली बॉक्स उसको दे दिया, ठीक है, वैसे ही वो O2 ले लेते हैं, CO2 दे देते हैं। अब CO2 जो है ली, यहां से जो CO2 ली वो वापिस कहां जाती है, ब्लड के अंदर मिक्स होके, वो ये सारा काम ब्लड के अंदर हो रहा है, अकेली खाली O2 CO2 मूव नहीं कर रही है। ब्लड प्लस में CO2 कहां पे जाएगा, हार्ट के ऊपर वाले पार्ट में, वेना कैवा भी बोलते हैं और राइट आर्टियम भी बोलते हैं, यहां से फिर नीचे आ जाएगा, मतलब जो है ये हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा और वापिस कहां चला जाएगा, हार्ट में चला जाएगा। पहले लंग्स में आएगा, लंग्स से हार्ट में गया, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, हार्ट से पूरी की पूरी बॉडी के अंदर गया, दिस इज ऑल्सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बॉडी से वापिस कहां जाएगा, पहले हार्ट के अंदर जाएगा, हार्ट के अंदर अभी डीऑक्सीजनेटेड है,
ये कौन सा ब्लड है, CO2 प्लस में ब्लड है, फिर ये हार्ट से कहाँ जाएगा वापस लंग्स में, लंग्स से हम ब्रीथ आउट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वापस CO2 इन्वायरमेंट के अंदर चले जाएगा। तो ये ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी के अंदर था जिससे कि हमारे को O2 मिलगी और CO2 बाहर चलेगी। लास्ट हमारी बॉडी की प्रोसेस होती है एक्सक्रिएशन, जिसमें एक चीज और इसमें बताऊंगी, इसके अंदर हमने ये बोला था कि जो हार्ट है हार्ट के अंदर क्या होती है, कॉन्ट्रेक्शन होती है, एक्सपेंशन होती है, जो कि 1 मिनट के अंदर कितने टाइम्स होती है, 72 टाइम्स होती है। इसलिए हमारा जो पल्स रेट होता है वो 72 होता है पर मिनट का, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमने खा भी लिया, हमारी बॉडी को एनर्जी भी मिल गई, हमारी बॉडी की एनर्जी ट्रांसपोर्ट भी हो गई। लास्ट एक्सक्रिएशन, जो बॉडी के अंदर यूटिलाइज नहीं हुआ, वो जो ब्लड था जिसके अंदर अनडाइजेस्टेड फूड है, वो कहाँ चला गया, किडनी के अंदर चला गया। किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स हैं, बोमेन कैप्सूल है, ग्लोमुलस है, ये सब मिलके क्या कर रहे हैं, किडनी के अंदर ब्लड को क्लीन कर रहे हैं। ब्लड क्लीन करने के बाद, क्लीन ब्लड तो हमारी बॉडी में किडनी से ही वापिस चला जाता है, रीनल आर्टरी के थ्रू वापिस चला जाएगा, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो किडनी से क्लीन होके कहाँ पे आ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आ जाएगा। ये जब फिल हो जाता है तो फील होता है कि हमें रिमूव आउट करना चाहिए हमारी बॉडी का वेस्ट, तो क्या करते हैं, यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव कर दिया जाता है। तो ये हमारा पूरा का पूरा लाइफ प्रोसेस था, जो कि मैंने आपको एक ही वीडियो में इसलिए कराया कि आपके दिमाग में बैठ जाए कि कैसे कैसे सारी प्रोसेसेस हो रही है। फर्स्टली न्यूट्रिशन हुआ, फिर उसके बाद रेस्पिरेशन हुआ, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन हुआ, सारा काम होने के बाद बॉडी में क्या हो गया, एक्सक्रिएशन हो गया, और आप बन गए अपनी बॉडी के डॉक्टर। बहुत नॉलेज होती है अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो, एटलीस्ट हमें खुद के बारे में नॉलेज तो होती है कि हमारी बॉडी के अंदर हो क्या क्या रहा है, ठीक है। और अब हमने इसमें प्लांट्स में भी किया था, प्लांट्स का मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। प्लांट्स में हमने ट्रांसपोर्टेशन में क्या किया था, जाइलम और फ्लोएम किया था, जो कि भी क्वेश्चंस आएंगे मैं उसमें बताऊंगी। एंड रेस्पिरेशन हमने टू टाइप की थी, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, एंड एनारोबिक इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। और किडनीज के अंदर एक्सक्रेटरी सिस्टम है, लाइक एक्सक्रेटरी सिस्टम में प्लांट्स का अगर हम बात करते हैं तो प्लांट्स के एक्सक्रेटरी सिस्टम्स क्या होते हैं, ये रूट्स के थ्रू प्लांट्स एक्सक्रिएट करते हैं, और लीव्स के थ्रू भी करते हैं, एंड लेंटिसेल्स के थ्रू करते हैं, स्टेम्स में लेंटिसेल्स के थ्रू करते हैं। तो ये हमारा था लाइफ प्रोसेस का रिविजन सेशन, जो कि कंप्लीट हो गया। मैं अभी आपको करवाने वाली हूँ NCERT क्वेश्चंस। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर वॉटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। अब ये क्वेश्चन आपको रैंडमली दिखेंगे सारे के सारे, मैंने ऐसे सीरियल वाइज नहीं लिए, रैंडमली क्वेश्चन है। बताओ मुझे कि हाउ आर वॉटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। अभी मैंने आपको बताया कि प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, जाइलम के थ्रू एंड फ्लोएम के थ्रू होता है। जाइलम वेसल्स क्या करती हैं, वॉटर को ट्रांसपोर्ट करती है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड से ट्रांसपोर्टेशन हुआ है, वैसे ही प्लांट्स के अंदर वॉटर के साथ ट्रांसपोर्टेशन होता है, वॉटर के प्लस में फूड भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, बट वो किसके थ्रू होता है, जाइलम और फ्लोएम के थ्रू होता है। अब देखो आप इसको पढ़ोगे थ्योरेटिकल तो आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। द रूट्स ऑफ ए प्लांट हैव हेयर कॉल्ड रूट हेयर, द रूट हेयर आर डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट विद द फिल्म ऑफ वाटर इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। हमें पता है रूट मिट्टी में होती है, उसके अंदर रूट हेयर्स होते हैं जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है सॉइल पार्टिकल के साथ। Water and dissolved mineral get into the root hair by the process of diffusion. It's very important कि कौन सी process से water जो है वो root hair से plant में जाता है, तो diffusion process से जाता है। The water and minerals absorbed by the root hair from the soil pass from cell to cell by osmosis. Cell से cell में किसके through जाता है, osmosis के through जाता है। Through the epidermis, root cortex. ये epidermis cells होती हैं, root cortex उसके through जाता है। Epidermis and reach the root xylem. ठीक है, ये कहां तक पहुंच जाता है, root xylem तक पहुंच जाता है। The xylem vessels of the root of a plant are connected to the xylem vessel to of the stem. अब xylem vessels तक तो water पहुंच गया, अब xylem vessels जो हैं वो किसके साथ connected हैं? Stems के साथ connected है। तो पहले root से, root hair से root ने पानी को लिया epidermis cells की help से, फिर वो जाइलम वेसल तक पहुंचा, जाइलम वेसल ईच एंड एवरी स्टेम तक है, तो पानी कहां तक पहुंच जाएगा, हर एक स्टेम तक पहुंच जाएगा।
Therefore, the water-containing dissolved minerals enter the root xylem vessels into the stem xylem vessels. The xylem vessels of the stem branch into the leaves of the plant. So, the water and minerals carried by the xylem vessel in the stem reach the leaves through the branch xylem vessel, which enter from the petiole into each and every part of the leaf. Thus, the water and minerals from the soil reach through the root and stem of the leaves of the plant. तो xylem vessels किससे stem से connected है, stem से further leaf के साथ connected है. तो root से पानी हम हमेशा कहाँ देते हैं, root में पानी देते हैं. ऊपर थोड़ा सा छिड़काव करते हैं, वो हम सिर्फ wash करने के लिए करते हैं. अगर आप जड़ में root में पानी नहीं दोगे तो plants dry हो जाता है, सूख जाता है, fall down हो जाएगा. किस लिए? क्योंकि उसको पानी नहीं मिल रहा. तो पानी उसका पूरा जा कैसे रहा है, रूट से, रूट हेयर ने लिया एपिडर्मिस सेल्स के थ्रू, फिर xylem vessel ने उसको पूरे के पूरे ईच एंड एवरी लीफ तक पहुंचाया. पूरा का पूरा ऐसे सिस्टम पाइप्स लगी हुई है लाइक. Evaporation of water molecule from the cell of a leaf create a suction which pulls water and xylem cells of the root. उनको pull out करता है. The loss of water in from vapors from the aerial plants parts of the plant is known as transpiration. कुछ एक जो plant के अंदर water होता है वो बाहर की तरफ भी जाता है, धूप की वजह से, हवा की वजह से evaporate होता है. तो evaporation को क्या बोलते हैं, transpiration बोलते हैं. वैसे हम ट्रांसपोर्टेशन बोल रहे हैं, वैसे क्या होगा, ट्रांसपीरेशन. तो वाटर एंड मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लांट के अंदर, वो आपको क्लियर हो गया होगा. इसमें कुछ क्रैम करने की जरूरत नहीं है, बस xylem vessel के थ्रू होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट. फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, वॉटर एंड मिनरल xylem vessel के थ्रू होते हैं, फूड फ्लोएम के थ्रू होता है. द मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम, फ्लोएम के थ्रू टेक प्लेस बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी. The sugar made in leaves, we know that photosynthesis process occurs in leaves of the plant and food made in the, कहाँ पे food बना, glucose कहाँ पे बना, in the leaves. अब ये leaves के अंदर जो food बना है उसको पूरे के पूरे plant में transport करना है. In leaves is loaded into sieves tube of a phloem tissue by using energy. From ATR water now enter the sieve tube, जो कि ये जैसे leaves हैं, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, phloem tissue है जो कि sieves हैं, छाननी type tubes हैं. Process of osmosis due to which the pressure in the phloem tissue rise, pressure बढ़ेगा. This high pressure produced in the phloem tissue moves the food all part. यहाँ से क्या होगा, osmosis के through pressure बढ़ेगा, pressure बढ़ेगा तो पूरा का पूरा food कहाँ चला जाएगा, plant के each and every plant तक, ऊपर नीचे जड़ सब जगह food पहुंच जाएगा. Main point is this कि food transfer किसके through होता है, phloem के through होता है. Next question, what are the method used by plant to get rid of excretory product? अब जो चीजें मैंने आपको वहां नहीं बताई थी, आप ध्यान दो, अब इसके अंदर आ रही है. देखो मैंने प्लांट्स का उसमें नहीं बताया, तो इसमें आपका थ्योरेटिकल आ गया. अब ये हमने प्लांट्स का नहीं किया था कि प्लांट्स जो है वो एक्सक्रीटरी कैसे प्रोड्यूस, प्रोडक्ट क्या प्रोड्यूस करते हैं, कैसे करते हैं. तो देखो क्या है, प्लांट्स करते हैं CO2 और O2, यही गैसेस का एक्सचेंज करती हैं, या और क्या क्या प्रोड्यूस करती हैं वो देखो. The plants get rid of gaseous products through stomata in leaves and lenticels in stem. Stems के through तो वो lenticels के through भी अपनी gases का exchange करते हैं, stomata के through भी करते हैं. The plants get rid of stored solid and liquid waste by the shielding of leaves. वो क्या करती है, shielding of leaves कर देते हैं, shedding of leaves या फिर पत्तों का गिर जाना, peeling of bark and falling of fruits. Fruit का गिर जाना, bark का, ये सब क्या है उसकी वो है कि एक्सक्रिएट कर रहे हैं. द प्लांट्स गेट रिड ऑफ वेस्ट बाय सीक्रेटिंग देम इन द फॉर्म ऑफ गम एंड ब्रेजिल्स. आप बाग पे देखना, उसकी स्टेम पे देखो गम टाइप, गूंद टाइप कुछ होता है, तो वो भी उनका क्या होता है, एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट होता है. प्लांट आल्सो एक्सक्रिएट सम वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू द सोइल अराउंड देम. सोइल के अराउंड भी वो अपना वेस्टेज प्रोड्यूस करते हैं. मींस कहने का मतलब ये है कि जो उनका वेस्टेज होता है वो हमारा यूजफुल है. गम भी यूज होती है, फ्रूट्स भी यूज होते हैं, हाँ लीव्स यूज नहीं होते, वो भी अगर मिट्टी में मर जाते हैं तो वो फर्टिलाइजर बन जाते हैं. तो ये सारा का सारा था प्लांट्स का वेस्टेज, और ये किसके थ्रू करते हैं, स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स के थ्रू करते हैं. नेक्स्ट, हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस रेगुलेट. आंसर, यूरिन की जो अमाउंट है वो रेगुलेट कैसे प्रोड्यूस होती है. द अमाउंट ऑफ यूरिन इज रेगुलेटेड बाय किडनी. It depends on the quantity of excess water and wastage dissolved in water. It's very important question कि किस पे depend करती है, कैसे करती है. First है quantity of water पे depend करती है, quantity of dissolved water पे depend.
डिपेंड करती है, हॉर्मोन्स पे भी डिपेंड करती है. When water is abundant in the body tissue, obviously हमने बोला कि हमने आज पानी बहुत पी लिया तो यूरिन बहुत आ रहा है. पानी पिएंगे, क्वांटिटी ऑफ वाटर ज्यादा हो जाएगी तो वेस्टेज भी ज्यादा, रिमूव भी ज्यादा होगा बॉडी से. क्वांटिटी ऑफ डिजॉल्व वेस्टेज सब्सटेंस नाइट्रोजिनियस वेस्टेज लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड एंड साल्ट्स फ्रॉम द बॉडी, वेयर देयर इज मोर क्वांटिटी ऑफ डिजॉल्व वेस्टेज. अगर वॉटर के अंदर वेस्टेज ज्यादा, हमारी बॉडी टॉक्सिन ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है तो भी क्या होगा, ये भी सुना होगा आपने कि यूरिन आने से बॉडी के क्या होते हैं, टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं. वाटर पीने से टॉक्सिन्स रिमूव होती हैं, किस लिए, नींबू पानी पीने से टॉक्सिन्स बॉडी से रिमूव होती हैं, तो यही रीजन है कि वो क्या करते हैं, बॉडी से रिमूव आउट करते हैं. हॉर्मोन्स, द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस इज ऑल्सो रेगुलेट बाय सर्टेन हॉर्मोन्स विच कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड Na+ आयंस आउट ऑफ द, और किडनी के साथ साथ डिपेंड करते हैं, हॉर्मोन्स भी डिपेंड करती हैं, ठीक है. Na+ आयन इन एंड आउट ऑफ द नेफ्रॉन. अब ये चीज याद रखना कि नेफ्रॉन के आउटसाइड पे कौन से आयन होते हैं, सोडियम आयन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. अब देखो आपके पास है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. द किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ, बताओ किडनी किसमें हेल्प करती है. कॉमन सी बात है, अभी हमने किया एक्सप्लेनेशन में, तो हमारा आंसर क्या होगा, थर्ड होगा. द जाइलम इन प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, जाइलम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अभी हमने किया, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के लिए होते हैं, नहीं, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए होते हैं, फूड के लिए फ्लोएम होता है, ठीक है. द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. नेक्स्ट, द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स, क्या क्या रिक्वायर होता है ऑटोट्रॉपिक के लिए. ऑटोट्रॉपिक मीन्स फोटोसिंथेसिस. कार्बन डाइऑक्साइड वाटर चाहिए, यस चाहिए. क्लोरोफिल, यस क्लोरोफिल भी चाहिए. सनलाइट, यस सनलाइट भी चाहिए. ऑल ऑफ द अबव, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव. द ब्रेकडाउन ऑफ पाइरूवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन, पाइरूवेट जो है वो पाइरूवेट ब्रेकडाउन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, वाटर के अंदर और एनर्जी के अंदर. ये आज हमने नहीं किया, बट मैंने एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत अच्छे से करवाया था कि दिस प्रोसेस इज अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया. ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोसेस होती है. व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट इज बाय प्रोडक्ट, क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, क्या क्या कंडीशंस हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए. CO2 होनी चाहिए, वाटर होनी चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, सनलाइट होनी चाहिए, यही न्यूट्रिशन, यही नेसेसरी कंडीशंस है. वही चीज है, घुमा फिरा के उसको पूछने का तरीका अलग है बस. प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन द लिविंग सेल, प्रोविजन ऑफ सप्लाई ऑफ वाटर इन ग्रीन लाइट, वाटर होना चाहिए, सफिशियंट सनलाइट होनी चाहिए, सफिशियंट CO2 होनी चाहिए, और हमारे पास क्लोरोफिल तो प्लांट्स के बाद ऑलरेडी है ही है, और बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज ऑक्सीजन. आंसर हमारा है, मतलब ये जो हमारे को मिलेगा वो क्या होता है, ऑक्सीजन होता है. तो ये हमारा आंसर है, अपने आप भी लिख सकते हो, सिंपली भी लिख सकते हो कि CO2, वाटर, क्लोरोफिल है, सनलाइट, तो वही चीज है, बस एक वही रिएक्शन है, उसको घुमा घुमा के पूछा हुआ है. नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, नेम सम ऑर्गेनिज्म दैट यूज दैट एनारोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. व्हाट इज एरोबिक, जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, सारा का सारा ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो जाएगा, इसके अंदर पार्शियली ब्रेकडाउन होता है. इसके अंदर एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, इसके अंदर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है. एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इसके अंदर मिलती है, इसके अंदर लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है एनारोबिक के अंदर. और भी आप बहुत सारे लिख सकते हैं, आपके पास बड़ा क्वेश्चन आ गया तो आप ये लिख सकते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है, पाइरूवेट ब्रेकडाउन हो रहा है. इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं होता पाइरूवेट का ब्रेकडाउन, ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है, तो आप ये डिफरेंस भी लिख सकते हैं. सम ऑर्गेनिजम्स विच यूज एनारोबिक रेस्पिरेशन, कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो एनारोबिक रेस्पिरेशन यूज करते हैं, ईस्ट एंड बैक्टीरिया यूज करते हैं. नेक्स्ट, जाइलम और फ्लोएम में क्या डिफरेंस है, अभी आप खुद लिख सकते हैं जाइलम और फ्लोएम में क्या डिफरेंस है. जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्ट करती हैं, फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट करती हैं, ये जाइलम वेसल्स के थ्रू करती हैं, ये सीव्स ट्यूब के थ्रू करती हैं,
इन जाइलम अपवर्ड मूवमेंट होती है वाटर की, डिजोल्व मिनरल्स की, और ये वाटर के मॉलिक्यूल्स को ईच एंड एवरी लीफ तक पहुंचाता है। बट इसके अंदर क्या होता है, ट्रांसलोकेशन होता है, इसके अंदर ट्रांसपीरेशन होता है, इसके अंदर ट्रांसलोकेशन होता है। इसमें फूड लीफ से पूरे के पूरे पार्ट के अंदर जाता है, बट इसके अंदर सिर्फ डाउनवर्ड से कहां जाता है, अपवर्ड जाता है जाइलम के अंदर। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके आंसर का, मैंने आपको अच्छे से थ्योरेटिकल में करा दिया। हाउ आर द एलोवेली डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस? एलोवेली प्रेजेंट कहां होती है बताओ मुझे, कहां प्रेजेंट होती है? लंग्स में, ब्रोंचियोल्स की, ब्रोंचियोल्स के ऊपर एयर सैक्स हैं, छोटे छोटे पैकेट्स हैं, दीज आर नोन एज एलोवेली। वो इतने सारे हैं, वो छोटे 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 इतने सारे हैं कि जो उसका एरिया है वो बहुत मैक्सिमाइज है, मतलब वो एरिया को बढ़ाते हैं, बहुत सारे हैं। द एलोवेली आर थिन वॉल्ड एंड रिचली सप्लाइड विद द नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स टू फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन ब्लड एंड द एयर फील्ड इन द एलोवेली। एलोवेली हैज ग्लू लाइक स्ट्रक्चर हैंस प्रोवाइड मैक्सिमम सरफेस। छोटे 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 हैं इसलिए क्या करते हैं, वो मैक्सिमम सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। तो ये आपका आंसर है। What would be the consequences of a deficiency of hemoglobin in our body? Hemoglobin की अगर कमी हो जाएगी तो हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा? Hemoglobin की अगर कमी हो जाएगी तो hemoglobin का काम होता क्या है? Oxygen को लेना। Oxygen को ले रहा है, ठीक है? Oxygen ने oxygen को लिया। अगर ये ही हमारी बॉडी में hemoglobin ही कम हो जाएगा तो oxygen हमारी बॉडी में कम जाएगी। ऑक्सीजन हमारी बॉडी में अगर कम जाएगी तो हमारी बॉडी को एनर्जी कम मिलेगी, मींस रेस्पिरेशन कम होगी। एनर्जी कम मिलेगी तो हमें थकावट फील होगी। लाइक मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मुझे कितनी एनर्जी चाहिए? अगर मेरी बॉडी के अंदर एनर्जी, मैं बोलूंगी हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन तो O2, तो आपको मजा भी नहीं आएगा, है ना? तो एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए हमें खाना पड़ेगा, खाने से एनर्जी मिलेगी और वो एनर्जी O2 होगा हमारी बॉडी के अंदर, हीमोग्लोबिन होगा तभी ही O2 हमारी बॉडी के अंदर जाएगा ना, नहीं तो हमारी बॉडी के अंदर O2 हमारे ब्लड में ही नहीं जाएगा, ब्लड में नहीं जाएगा तो वो उसको तोड़ेगा कैसे? ठीक है, समझ गए ना कि ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन कम है तो वो O2 ही नहीं ले पाएगा। O2 कम मीन्स हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन कम, एनर्जी कम, एनर्जी कम होगी तो हम थके थके फील होंगे, फैटिक यू फील करेंगे हम, और हमारे हम बीमार रहेंगे, फॉल सिक। ये सारा का सारा ऑक्सीजन का ही, ये सारा हीमोग्लोबिन का ही रोल है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, व्हाई इज इट नेसेसरी? डबल सर्कुलेशन हार्ट में, हमने बोला, मैंने आपको अभी आज नहीं बताया बट हमने पहले कर चुके हैं कि एक साइड से तो और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, दूसरी साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दोनों काम एक साथ ही हो रहे हैं। एक साइड पे तो CO2 वाला ब्लड है, एक साइड पे O2 वाला ब्लड है, तो दोनों एक साथ ही बॉडी के अंदर मूव कर रहे हैं, हार्ट के अंदर मूव कर रहे हैं। सो डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग्स होता है। इन आवर हार्ट ब्लड एंटर्स ट्वाइस एंड ऑल्सो कम आउट ट्वाइस फ्रॉम द हार्ट। द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी इज ब्रॉट टू द राइट आर्टेरियम थ्रू वेना कैवा, फ्रॉम वेयर इट इज सेंट टू राइट वेंट्रिकल, फ्रॉम राइट वेंट्रिकल द ब्लड इज पम्प टू द लंग्स। आप इसमें सिंपली लैंग्वेज में भी यूज कर सकते हो, मैंने आपको पल्मोनरी वेन, मेन वेन, पल्मोनरी आर्टरीज की फॉर्म में करवाया, तो आप उस फॉर्म में लिख दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज इसलिए यूज किया कि आप वो लैंग्वेज भी यूज कर सकते हो, आप ये लैंग्वेज भी यूज कर सकते हो। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स अगेन एंटर्स द लेफ्ट आर्टेरियम ऑफ द हार्ट थ्रू पल्मोनरी वेन, फ्रॉम लेफ्ट आर्टेरियम इट इज सेंट टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। कहां गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर गया, फ्रॉम वेयर दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द आर्टरीज। इन दिस वे द ब्लड फ्लोस थ्रू द हार्ट ट्वाइस, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। रट्टा नहीं मारना, मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया है, आप मेरी लास्ट वीडियो में देख लेना आपको डबल सर्कुलेशन। एक बार अगर नहीं किया तो वो जरूर देखना, वो देखोगे तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, नेसेसरी क्यों है डबल सर्कुलेशन? वही कि हमारे बॉडी में O2 का भी ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है, CO2 का भी। O2 हमारी बॉडी को चाहिए, CO2 हमारे बॉडी का वेस्टेज है, तो उसको रिमूव करने के लिए द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द ह्यूमन हार्ट आर यूजफुल टू कीप डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। डबल सर्कुलेशन होगा तो मिक्सिंग से बचाएगा। दिस टाइप ऑफ सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंश्योर ए हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। This is useful in case of human who constantly need energy to maintain their body temperature.
बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है, सिंपल. नेक्स्ट एलोवेली एंड नेफ्रोन के अंदर क्या डिफरेंस होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एलोवेली किसके अंदर प्रेजेंट थी बताओ मुझे, किसमें प्रेजेंट थी एलोवेली, मुझे भी भूल गया किसमें थी, लंग्स के अंदर प्रेजेंट थी जो कि हमने बोला था कि O2 ले रही है. और नेफ्रोन किसके अंदर प्रेजेंट है, किडनी के अंदर प्रेजेंट है. तो ए मेच्योर लंग हैव 30 करोड़ एलोवेली. अभी हमने किया था कि एलोवेली सरफेस एरिया को बढ़ाती है, टोटल कितने होते हैं 30 करोड़ होते हैं एलोवेली, इतनी लार्ज अमाउंट में. और नेफ्रोन टोटल कितने होते हैं, 10 लाख होते हैं, और ये किडनी में प्रेजेंट होते हैं. एलोवेली प्रोवाइड ए वाइड सर्फेस एरिया, बट ये कुछ ऐसा नहीं है कि सर्फेस एरिया का कोई रोल नहीं है नेफ्रोन का. ये एक्सचेंज करती है गैसेस को और ये बोमेन कैप्सूल के थ्रू अनडाइजेस्टेड जो भी है फूड को रिमूव आउट करता है, मतलब ये भी ब्लड को क्लीन करता है. अनडाइजेस्टेड जो भी हमारी बॉडी के अंदर वेस्टेज है उसको यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाता है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर मैंने विद क्वेश्चंस विद थ्योरेटिकल सारा करा दिया. अब भी अगर आपको नहीं समझ आया ना तो इसका मतलब आपकी प्रॉब्लम है, आप उसको दोबारा करो. और अगर कोई पॉइंट मेरी तरफ से समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट सेशन में जरूर बताना कि मैम मुझे ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ. डेफिनेटली मैं उसको करवाऊंगी आपको दोबारा, जितना हो सकेगा उतना इजी वे में करवाऊंगी. अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू, बाय बाय. मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ. टेक केयर.